सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा है कि एमबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियां देश में राजनीति कर रही हैं, जबकि यह बहुत गंभीर मामला है। पोसवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि अगर एमबीसी वर्ग को आरक्षण देकर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकारों की गंभीर इच्छा शक्ति है तो दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट व ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण आवश्यक है। पोसवाल ने कहा कि आरक्षण आंदोलन में 73 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग दिव्यांग हो गए, लेकिन सरकारों की नींद नहीं टूटती। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट को देश भर में लागू किया जाए। वर्तमान में काम कर रही जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तत्काल लेकर देश को ओबीसी में 3 श्रेणियां बनाकर वर्गीकरण किया जाए, जिसमें एक श्रेणी में गुर्जर एमबीसी वर्ग को विमुक्त श्रेणी बनाकर 9% अलक्ष्य आरक्षण का प्रावधान कर शोषित वंचित वर्ग के साथ न्याय किया जाए। पोसवाल ने कहा कि गुर्जरों की मांग 1950 से लंबित है, जबकि वोट बैंक के चलते सरकार ने अभी हाल फिलहाल में मात्र 24 घंटे में ही एक वर्ग विशेष को आरक्षण देकर दिखाया था। पोसवाल ने कहा कि सरकार अगर ओबीसी वर्गीकरण और इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू करती है तो आरक्षण मानकों का उल्लंघन भी नहीं होगा और वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। गुर्जर समाज सहित जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसकी आरक्षण की जो मांग है वो लगभग 98 से चल रही है, जब से ओबीसी में कुछ सक्षम जातियाँ आ गई थी। और बहुत ही विडम्बना की बात है कि सवर्णों के लिए 24 घंटे में भारत सरकार ने आरक्षण दे दिया, जबकि गुर्जरों सहित जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं 5-7 उनके लिए 14 साल में लगभग 73 आहुतियाँ के बाद, हजारों मुकदमे के बाद, हजारों लोगों के गोलियां लगने के बाद भी कोई भी सरकार चाहे भाजपा की या कांग्रेस की चिंतित नहीं। और मैं प्रतीक सेना संगठन के माध्यम से राजस्थान सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि गुर्जर समाज सहित जो रेवारी, बंजारा, गाड़िया, लोहार ये जो लोग हैं इनको आरक्षण की बहुत आवश्यकता है, इनको आरक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। और सरकार इस पे होमवर्क करे, और भारत सरकार है वो भी या तो इसको 9वीं अधिसूची में डाले, या मैं बताना चाहता हूँ कि दो ऑप्शन भारत सरकार के पास भी है। पहला तो ये है कि जो दादा इदाते आयोग भारत सरकार ने जो गठन किया था उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको भारत सरकार ने अभी लागू नहीं किया। दूसरा, एक अभी आयोग बिठा रखा है जी रोहिणी जो ओबीसी के वर्गीकरण के लिए। मेरा मानना है कि यदि भारत में ओबीसी का वर्गीकरण होता है और 27% में से उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं 9-9% और सबसे नीचे 9% में ये जो मोस्ट बैकवर्ड जो कम्युनिटी है गुर्जर सहित जो 5-7 जातियाँ हैं इनको यदि डाल दिया जाए और एक विमुक्त गुमंतु जो वर्ग है उसका आरक्षण है वो और कर दिया जाए भारत में, तो इस कौम का भला हो सकता है और ये स्थायी समाधान हो सकता है। नहीं तो 50% और 60% की सीमा लांगी जाएगी और इस कम्युनिटी को इसका आरक्षण का लाभ ही मिलेगा। जो ओबीसी में जो मजबूत कौमें इसको खा रही है उससे छुटकारा मिलेगा और इस कौम को उसका फ़ायदा मिलेगा और एक स्थायी समाधान होगा, ये आरक्षण हमेशा के लिए जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। और राजस्थान सरकार से ही मांग करता हूँ कि जो वादा चुनाव में किया है बैकलॉग का वो भरे और 5% आरक्षण प्रत्येक सर्विस में दे, हायर एजुकेशन में दे, और देवनारायण बोर्ड है उसका विधिवत गठन करे और जितनी राशि स्वीकृत है वो इस क्षेत्रों में लगे। ये हमारी प्रबल मांग है और इससे ये समाधान हो सकता है, वरना ये आरक्षण की जो लड़ाई है वो दिन दिन आगे से आगे बढ़ेगी। समाज में बहुत आक्रोश है, युवाओं में बहुत आक्रोश है और जो समाज और राजनीतिक पार्टियाँ समाज के साथ जो छल और कपट का खेल कर रही है वो इसको बंद कर देना।